गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 के लिए बड़े दिन बाद लौट रहे हैं। बीच में कुछ ब्रेक हो गया था, आज एक फिर से शुरुआत करेंगे। क्लास 12 का हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और चैप्टर ये 4 है। चैप्टर का नाम है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन यानी मानव जनन यानी ह्यूमन बींस यानी हम लोग की बात कर रहे हैं, मानव जात की बात कर रहे हैं। तो मानव में जनन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पौधे में जनन कैसे हुआ उसको देखा, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे अपने आप के बारे में, यानी एक मनुष्य में जनन कैसे होता है। नॉर्मली आप जानते हैं मनुष्य में जनन कैसे होता है, बेसिकली आपने सुना होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी ज्ञान है जिसमें कई सत्य आप जानते हैं कई सत्य नहीं जानते हैं। ठीक है, सिंपली आपका यूज़ किया जाता है, ऐसे ऐसे जनन होता है, वो प्रोसेस में आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप में उसमें क्या होता है कमियाँ हैं, यानी हम सही तरीके से हमें पता नहीं है कि आपका जनन की प्रोसेस क्या है, जनन में कौन कौन से पार्ट्स भाग लेते हैं या जनन में प्रक्रिया में कैसी प्रक्रिया होती है। वो रियलिटी अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसको श्योर में बाय कर रहा हूँ, आपका जनन का प्रोसेस नहीं पता है। बस जानते हैं जनन ऐसे ऐसे जनन होता है ऐसे होता है, लेकिन वो क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप बाई स्टेप होता है वो उनको पता नहीं है। तो जनन की प्रक्रिया में आज अपने बारे में, खासकर खुद आने वाले कह सकते हैं जो छात्र हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में जानेंगे कैसे जनन प्रक्रिया होती है। और ये वीडियो मेरे ख्याल से अगर जो भी देखना चाहे सब देख सकता है। आपका जनन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन सा मेन अंग है, कौन सा मेन अंग नहीं है, कौन नेसेसरी है, कौन नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इस आपके प्रक्रिया में कुछ सामाजिक बुराइयाँ भी आपको देखने को मिलेगी, जो लोग ना जानने की वजह से सामाजिक कुरीतियाँ जिसे कहते हैं आज समाज में फैली हुई है। तो वाकई में अगर हम इस चैप्टर को जानेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमने बताया था जब मानव जनन पढ़ेंगे तो मानव जनन अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है, अपने आप में क्या एक इंटरेस्टिंग है, यानी अपने बॉडी के बारे में आप खुद जान रहे हैं कैसे क्या प्रक्रियाएं होती है, जो सही तरीके से अभी हम अज्ञान हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है वो जानेंगे हम। प्रजनन क्या है, प्रजनन क्या है उसको हम जानेंगे। प्रजनन किसे कहते हैं, अब प्रजनन सिंपल सी बात है, कोई भी जीवधारी अपने जैसे जीव बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, हम यूज करते हैं, यानी कोई भी जीवधारी यानी जीव द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्रिया, यानी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया, जीव द्वारा अपने जैसे संतत बनाने की क्रिया क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। यानी इस संसार में जो भी अगर जीव है क्या होता है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में क्या होता है, एक्सपायर कर जाता है, डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। नॉर्मली आपका नॉर्मली हो या नॉन नॉर्मली हो तो कोई भी हो किसी न किसी कंडीशन में उसका अंत जरूर होता है। तो अपने अंत काल से पहले खत्म होने से पहले अगर जीवधारी मैच्योर जाता है तो मैच्योर होने से पहले अपने पीढ़ियों को चलाने के लिए क्या करता है, अपने जैसे संतान को छोड़ जाता है। ठीक है, आपका जनन प्रक्रिया है। तो जनन क्या है, आपका रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसमें यानी रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बता रहा है, बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जियो द्वारा एक क्या है आपका एक प्रक्रिया है जिसमें इज एबल क्या होता है, एबल होते हैं उत्तरदायी होते हैं, इज एबल टू ए प्रोड्यूस मोर, ए प्रोड्यूस वन या कह सकते हैं मोर। ठीक है, आपका इट्स वन काइंड्स यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को, यानी जियो द्वारा अपने जैसे संतान बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। आप हिंदी भी लिख सकते हैं जनन किसे कहते हैं, इंग्लिश वर्ड भी लिख सकते हैं जनन किसे कहते हैं, यानी आपको जो भी सेंटेंस अगर सुटेबल हो वो आप फेयर में, खास करके केडी के बच्चे फेयर में जरूर मेंशन करेंगे। और मैं तो कहूँगा आपको इस चैप्टर को जो भी पढ़ेगा कहीं भी पढ़ते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं छात्र हैं तो आप प्लीज़ उसको पेन कॉपी लेके बैठिए और उसकी ज़रूरत की चीज़ों को आप नोट कीजिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे शायद आप नहीं सुने होंगे। तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, इंटरेस्ट भी आएगा और साथ साथ आपको जानकारी भी मिलेगी। तो हमने क्या बताया, जनन क्या है, जनन वह प्रक्रिया है यानी जीव आपके क्या है, वह प्रक्रिया जो जिसमें जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, अपने जैसे जीव बनाने देते हैं, इसी को हम जनन कहते हैं। इंग्लिश वर्ड में लिखा है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल, ठीक है, प्रोड्यूस मोर आपका क्या होता है, ऑफ इट्स काइंड्स, ऑफ इट्स वन काइंड्स यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो बात आती है मानव, मानव कैसे प्रकृति होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है।
तो मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वीवी पेरेस क्या होता है उसको पढ़ेंगे, यूनिसेक्सुअल क्या होता है वो देखेंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसको जानेंगे, असेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में एक वर्ड आएगा एडोलेसेंस वो जानेंगे, एंड साथ ही साथ इसमें आप जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको जानेंगे, और आज के वीडियो में ये जानेंगे स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी प्रजनन प्रक्रिया में मानव के कौन कौन से स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, उसको हम जानेंगे। क्लियर, आज के वीडियो में ये आपका समझ लीजिए इंट्रोडक्शन का, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन है। तो प्रजनन समझ में आया, तो वीवी पैलेस, व्हाट इज द वीवी पैलेस, हिंदी में कहते हैं जराइज, क्या कहलाता है, जराइज, याद रखिएगा, क्या कहलाएगा, जरा यूज, हिंदी वर्ड में आपका जराइज कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी में क्या कहेंगे, जराइज, इंग्लिश में वीवी पैलेस। तो नाम सुना होगा आपने क्लास 8 से, प्राइमरी सेक्शन से सुना होगा, वीवी पैलेस, ओवी पैलेस। तो हम क्या है, वीवी पैलेस है, यानी मानव की बात करें, वुमेन क्या है, मानव, इसकी बात कर रहे हैं मानव की। तो मानव आपका देखा जाए वीवी पैलेस जो है कैसा है, वीवी पैलेस यानी जराइज, जराइज किसे कहेंगे, यानी आपका जो आपके जीव संतान उत्पन्न करते हैं, यानी जो जीव क्या करता है, आपका संतान उत्पन्न करता है उसे हम जराइज कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उसे हम वीवी पैलेस, ओवी पैलेस कहते हैं, अंडे जिसे कहते हैं। तो यहाँ आपका जराइज क्या हुआ, आपका ऐसे जीव जो आपको संतान का उत्पन्न करते हैं, यानी उनका क्या होता है, आपका जाइगोट इम्ब्रियो जो होता है आपका गर्भाशय के अंदर डेवलपमेंट होता है, यानी शरीर के अंदर, यानी मानव क्या होता है, आपका जो भ्रूण होगा, जो इम्ब्रियो होगा, ठीक है, वह इम्ब्रियो का डेवलपमेंट विकास कहाँ होता है, मानव शरीर के अंदर होता है, मानव मतलब आपका फीमेल के बॉडी में अंदर होता है, किसी भ्रूण का, किसी बच्चे का डेवलपमेंट, यानी शिशु का जो आपका भ्रूण बनता है उसका डेवलपमेंट विकास कहाँ होगा, आपका मानव शरीर के अंदर, यानी आपका यूट्रस गर्भाशय के अंदर होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है छोटा बच्चा, आपका भ्रूण जब मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर का जर्मिनेशन होता है बेबी के रूप में, किसके रूप में, बेबी कहलाता है, यानी संतान कहलाता है, उस बेबी को जो बच्चा उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, बेबी। तो जो आपके जीव संतान उत्पन्न करता हो उसे क्या कहते हैं, वीवी पैलेस कहते हैं, क्या कहेंगे, वीवी पैलेस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जराइज कहते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, सिंपल प्रोसेस है, वीवी पैलेस किसे कहेंगे, यानी मानव जो होता है आपको क्या होता है, आपका मानव संतान उत्पन्न करने वाला जीव होता है, इसलिए उसे वीवी पैलेस कहते हैं। ओके ठीक है, वीवी पैलेस क्यों कहलाता है, उसकी भ्रूण का विकास कहाँ होगा, मानव के आपके बॉडी के अंदर होता है, यानी जो भ्रूण बनता है जिसे हम कहते हैं 9 महीने बच्चा पेट में पलता है, तो 9 महीने बच्चा पेट में क्या पल रहा है, 9 महीना जो बच्चा पेट में पलता है वो आपका भ्रूण है, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये इम्ब्रियो का फुल डेवलपमेंट हो जाता है, तब जब संतान पूरा मैच्योर हो जाता है, बनकर तैयार होता है, तो उसका जन्म होता है। तो जो संतान को उत्पन्न करने, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वीवी पैलेस कहते हैं। तो मानव क्या है, वुमेन क्या है, वीवी पैलेस, राइट। एंड हमने बताया था इसका आंसर कुछ लोगों ने दिया था, बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था, मनुष्य यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल, तो वी आर हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल, मनुष्य एक लिंगी जीव है, क्या है मनुष्य, एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी जीव, ठीक है। तो आपको मैंने इसे पूछा था कमेंट करके, बताइए मानव यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था, इसके लिए थैंक यू, लेकिन प्लीज़ बहुत कम लोगों ने कमेंट किया, ये अफसोस की बात है। तो कमेंट हमने जो करते हैं पूछते हैं, तो उसको आप कमेंट कीजिए, न समझ में आए फिर भी कमेंट कीजिए, समझ में आए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। तो मनुष्य क्या यूनिसेक्सुअल होता है, यानी एक लिंगी होता है, एक लिंगी मतलब किसे बताया था हमने, यानी ऐसा जीव जिसमें उसके शरीर पे केवल एक लिंग हो, यानी या नर हो या तो मादा, यानी जो शरीर हो उस शरीर पे नर या मादा में से कोई एक आपका शरीर वाला इंसान हो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। यानी आपका ऐसा जीव जो स्पर्म का और ओवम का अलग अलग शरीर द्वारा निर्माण होता हो, स्पर्म और ओवा अलग अलग शरीर का द्वारा निर्माण होता हो, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। बात समझ में, यानी ऐसा जीव जो आपका स्पर्म का, शुक्राणु का यानी नर युग्मक का, यानी आपका ओवा का, मादा युग्मक का अलग अलग शरीर द्वारा निर्माण होता हो उसे हम क्या कहते हैं, आपका यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यानी नर आपका बॉडी अलग हो और मादा का बॉडी अलग होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो आपका देखेंगे मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बॉडी में मेल का भी आपका अंग है और फीमेल का भी पार्ट्स है, ऐसा नहीं होता है। तो मेल और फीमेल डिफरेंट है, नहीं सर, इसीलिए हम क्या है, वी आर ए यूनिसेक्सुअल,
क्या है, एक लिंगी आपका जीव गलत है। ओके बात समझे। आइए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये चीजें देखने को मिलता है। व्हाट इज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, हिंदी में कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। क्या कहलाएगा लैंगिक, याद रखिएगा हिंदी वर्ड क्या कहेंगे इसे हम, लैंगिक, सॉरी लैंगिक द्विरूपता। क्या कहलाएगा द्विरूपता, ये हिंदी में वर्ड है। क्या कहलाएगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब देखिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, मनुष्य में कुछ समय बाद यानी स्टार्टिंग में बेबीज को कह सकते हैं, स्टार्टिंग से ये पहचान सकते हैं हम, लेकिन अगर देखा जाए तो जब उसकी साइज आपकी मनुष्य की एज नियर अबाउट 15 एज के पास पहुंचती है, 15 साल में आती है, 10-12 साल हो जाता है, यानी 12 साल ऊपर हो जाता है, तो मनुष्य में डाइवर्स सेक्सुअल लैंगिक रूप यानी लैंगिक रूप से मानव का शरीर क्या होता है अलग अलग होता है। यानी मनुष्य में एक ऐसा जीव है जो आपको देख के आवाज द्वारा देख कर, ठीक है, उसके एक्टिविटीज द्वारा क्रियाओं द्वारा पहचाना जा सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। यानी उसके शरीर को मानो मनुष्य में क्या होता है, नर और मादा दो स्पष्ट रूप से शरीर होते हैं जिसको बाह्य रूप से देखकर बचाया जा सकता है कि आपका ये नर है या मादा है। यानी कोई दूर से भी देख के बता देगा कि ये नर है या मादा है, या किसी आवाज को जब मैच्योर इंसान हो जाता है कोई मानव, तो मैच्योर मानव की आवाज को भी हम बता सकते हैं सुन करके क्या होता है आपका ये नर है कि मादा है। तो मैच्योरिटी आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, बचपन से ही होती है, बचपन से ही होते हैं, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से डेवलपमेंट विकास का होगा जब आपका वो आपका यौनावस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आता है, यौनावस्था, यानी यौनावस्था जब प्रारंभ होता है उस अवस्था में आने पर क्या होता है आपका उसका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, यानी आपका मानव जो होता है आपका शारीरिक रूप से वाह्य रूप से क्या होता है नर और मादा अलग अलग होते हैं, यानी हम उसे वाह्य रूप से देख के बता सकते हैं ये नर है कि मादा है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं, ऐसे क्रियाएं होती हैं, जैसे अगर कोई मनुष्य देखेंगे उसके दाढ़ी रहेगा, मूंछ रहेगा, है ना जी, पूरे शरीर पे बाल होता है, आवाज भारी होता है, ठीक है, आपका नर का पहचान है, मादा को ये क्या होगा आपके उसके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ नहीं रहती है, रेयर केसेस में कुछ कुछ छोड़कर दाढ़ी मूंछ नहीं रहती है, आवाज सुरीली होती है, चेस्ट उभारा हुआ रहता है, तो ये क्या है आपका नर और मादा को स्पष्ट रूप से देख के हम पहचान सकते हैं, ये आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाता है, यानी लैंगिक द्विरूपता। क्लियर है, तो ये दैहिक द्विरूपता आपका क्लियरिटी कम होती है जब आपका वो आपका यौनावस्था में आता है। किस अवस्था में, याद रखिएगा किस अवस्था में आएगा, एडलो, एडलोसेंस, सेंस, किस अवस्था में आता है, यौनावस्था, इसे कहते हैं यौनारंभ। क्या कहेंगे, यौनारंभ। यौन आरंभ क्या है, व्हाट इज द एडोलेसेंस, प्यूबर्टी जिसे कहते हैं, प्यूबर्टी क्या है, एडोलेसेंस क्या है, यौवन, यौन आरंभ, यौनावस्था, ठीक है, या इसे कहते हैं यौवन। हिंदी जब आपने पढ़ेंगे हिंदी टीचर से तो उसमें एक वर्ड आता है यौवन, तो यौवन अवस्था कब होता है, यौवन अवस्था में क्या होता है आपके लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलता है स्पष्ट रूप से, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो आइए हम जानते हैं एडोलेसेंस अवस्था क्या होता है। तो मेल और फीमेल में याद रखिएगा, किसमें, मेल एंड फीमेल, नर और मादा में, नर और मादा में आपका मेल और फीमेल में क्या होता है आपका यौना प्रारंभ की अवस्था अलग अलग होती है। यानी यौवन की आपकी प्रारंभ यौवन शुरुआत होने की अवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है। तो देखा जाए अगर हम बात करेंगे पहले मेल की, मेल में बात करेंगे तो मेल में यौना अवस्था कब होता है, 14 से लेकर 16 साल के बीच में, या किसी किसी युग में 14 से 15 दिया, यानी जब कोई आपका मेल मानव में जब कोई मेल 14 साल या 16 साल की शुरुआत हो जाती है यानी 14 साल में प्रवेश करता है तो उसके बॉडी में क्या होता है यौना अवस्था यौना आरंभ होता है, यही यौवन की शुरुआत होती है। यौवन शुरुआत मतलब यौवन अवस्था किसे कहेंगे, वह अवस्था जिसमें कोई जीवधारी यानी मानव की बात करें वह अवस्था जिसमें कोई जीवधारी जनन करने योग्य हो जाए, क्या हो जाए, जनन करने योग हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं यौवन अवस्था कहलाता है। याद रखिएगा, यानी वह जीवधारी जिसमें कोई जीवधारी आपकी उस अवस्था में पहुंचता है यानी वह अवस्था किसी जीवधारी की वह अवस्था जिसमें वह जनन करने लायक हो जाए यानी उसके बॉडी में स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाए, डेवलपमेंट विकास होना शुरू हो जाए, निर्माण होना शुरू हो जाए, उसी अवस्था क्या कहते हैं हम यौना
आरंभ कहते हैं, यौना अवस्था की शुरुआत कहते हैं। ठीक है, अगर कोई 5 साल का बच्चा है, ठीक है, 7 साल का बच्चा है, तो ये प्रायः माना जाता है ये आपका जर्मिनेशन नहीं कर सकता, यानी बेबी का निर्माण नहीं करेगा, संतान उत्पन्न नहीं करेगा, इसके बॉडी में स्पर्म ओवा नहीं बनेंगे। आपका जिस अवस्था में उसकी बॉडी में स्पर्म ओवा बनना शुरुआत होती है, ठीक है, उसके बॉडी में चेंजिंग आना शुरू होता है, ठीक है, उसके बॉडी में आपका सेक्स की तरफ आकर्षण बढ़ता है, उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, यौना आरंभ कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस से क्या आएगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आएगा। तो हमने बताया मेल में कौन सी अवस्था होती है, 14 से 16 साल, यानी जब मेल 14 से 16 साल आता है तो उसके बॉडी में देखेंगे आप चेंजिंग देखने मिलती है। तो वो चेंजिंग क्या देखने मिलेगी, उसके चेहरे पर जो फेस होगा, क्या होगा, फेस में आपका क्या आएंगे, हेयर आने शुरू हो जाते हैं, यानी उसके आपके रोए निकलने शुरू होते हैं, दाढ़ी और मूंछ का निर्माण होना शुरू होता है ना जी। शरीर क्या होगा सुडोल, यानी शरीर क्या होगा, विकास करना शुरू होगा, उसके मसल्स जो होंगे, ये बॉडी जो मसल्स होती है वो आपका डेवलपमेंट होना शुरू होते हैं, हम मेल की बात कर रहे हैं, यानी चेहरे पे बाल दाढ़ी आएंगे, मसल्स उसके आपके क्या होंगे, आपके मसल्स जो होते हैं, मांसपेशियां जो होती है आपके मजबूत होते हैं और आपके कठोर होना शुरू हो जाता है मांसपेशियां, शरीर सुडोल होना शुरू होता है। आवाज होगा, जो वॉइस होगा, वॉइस में क्या होगा, भारीपन आएगा, एक पता लगता है ना जी। देखिए अभी कोई आप देखेंगे, कोई 10 साल का बच्चा बोल रहा है तो आप बता देंगे बच्चा बोल, जब कोई मैच्योर रहता है 20 साल का 25 साल का कोई इंसान बोल रहा है तो आप कहेंगे क्या होगा, ये कोई बच्चा नहीं, एक आपका नौजवान युवक है, बड़ा आदमी है ना जी। क्यों, क्योंकि उसकी आवाज़ में चेंजिंग है ना जी, उसके वॉइस बदल गए, उसके आवाज़ क्या हो जाता है, भारीपन, यानी बचपन से आपका जब यौनावस्था प्रारंभ हो जाता है तो उसकी आवाज़ में भारीपन आना शुरू हो जाता है, ये आपका चेंजिंग है। इंटरनल पार्ट पे आपके भी हेयर आते हैं, यानी इंटरनल जो पार्ट होता है आपका, वहाँ पर भी क्या होता है, हेयर निर्माण शुरू हो जाते हैं। उसका जो सेक्स ऑर्गन होता है, क्या होता है, सेक्स ऑर्गन, यानी लैंगिक जनन अंग का विकास होना शुरू हो जाता है, लैंगिक जनन अंग का विकास होना शुरू होता है, यानी जो लैंगिक जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, आपका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं, अर्थात उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द सेक्सुअल ऑर्गन, तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन का विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है, निर्माण होना शुरू हो जाता है, अर्थात उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, किसका, स्पर्म का, यानी शुक्राणु निर्माण होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, शुक्राणु निर्माण होने की प्रक्रिया चालू होती है, अर्थात शुक्राणु बनने की प्रक्रिया बता रहा है कि ये क्या होता है, आपका जनन करने योग हो गया है, किस योग हो गया, जनन करने योग हो गया, अर्थात इसका किसी दूसरे के साथ अगर कॉपुलेशन हो तो वहाँ पर क्या, कॉपुलेशन के बाद अगर तो जनन प्रक्रिया अगर हो सकती है तो हो सकती है, तो स्पर्म बन रहा है किस अवस्था में, 14 से 16 साल आने की अवस्था में इसमें शुरुआत होती है, राइट। और इसी अवस्था में क्या होता है, आपका जो मेल होता है आपका फीमेल की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एज ए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कहती है, क्या होता है, आपका मेल जो होगा आपका अट्रैक्शन होता है विपरीत जींस की तरह, विपरीत आपका सेक्स की तरह क्या होता है, उसका अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, आपका एडोलेसेंस कहलाता है, क्या कहलाता है, एडोलेसेंस कहलाता है, यानी हिंदी में हम कहते हैं यौन आराम कहलाएगा। तो इसी यौन आराम में क्या होता है, आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जबकि ये चीजें और किसी भी आपके एनिमल में देखने को स्पष्ट नहीं मिलता, बताइए किसी में देखने को मिलता है। अगर हम गाय की बात करें, एक गाय है, गाय का बछड़ा है, गाय हुआ, गाय के मतलब आपका जो मेल फीमेल हुआ गाय का लाएगा, उसका जो आपका जिसे सांड कहते हैं, सांड दो दूर काफी बाने हो, काफी दूर बाने हो, तो आप दूर स्पष्ट रूप से बाने हो तो आप स्पष्ट क्लियर नहीं बता सकते हैं ये मेल है कि फीमेल है, फिर भी पता चलेगा, नहीं स्पष्ट नहीं पता चलेगा। अगर दोनों एक पीछे बाने हो, आवाज़ आ रही है, तो दोनों आवाज़ आ रही है, तो दोनों आवाज़ से आप क्लियरिटी नहीं करेंगे कि ये मेल बोल रहा है कि फीमेल बोल रहा है, लेकिन मनुष्य में क्या हो सकता है, उसके वॉइस से बता सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है, ये आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, यानी आपका लैंगिक विरूपता देखने को मिलता है, किसमें, मनुष्य में, बाकी दूसरे एनिमल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्लियर है बात समझ में। आइए हमने मेल के बारे में जाना, एडोलेसेंस क्या होता है, यौन अवस्था क्या होता है, फीमेल के बारे में देखते हैं। फीमेल आइए यूज करेंगे हम, फीमेल, फीमेल में क्या देखेंगे, कौन सी अवस्था, एडोलेसेंस, हिंदी में क्या कहेंगे, यौवन, यौनारंभ,
यौन आराम, राइट। तो फीमेल में यौन आराम कब शुरू हो जाता है? आपके पिक में दिए 10 से 11 या आपके 10 से 12, किसी किसी बुक में अलग अलग मेंशन है 10 से 11 या 10 से 12, ये 11 से 12 भी देता है। तो प्रायः 10 से 11 साल में ही या 10 से 12 साल आप मानेंगे तो ये मोस्ट यूज कर सकते हैं। तो 10 से 12 साल में क्या होता है आपका फीमेल में, यानी यौना प्रारंभ जो होता है मेल की अपेक्षा जल्दी आ जाता है। उसमें 14 साल था जबकि यहाँ 10 से ही बात आता है। यानी क्या होता है आपका फीमेल जो होती है फीमेल के बॉडी में यौना प्रारंभ के संकेत कहाँ हो जाते हैं? 10 साल आने पर शुरुआत हो जाती है। यानी 10 साल से 12 साल के बीच में क्या होता है आपका जब कोई आपका फीमेल यानी आपका मादा जब उसकी शरीर होता है यानी कोई लड़की का एज जब 10-12 साल आता है उसके बॉडी में एक्टिविटी चेंजिंग होती है। यानी उसकी बॉडी में क्या होता है चेंजिंग आती है। चेंजिंग में क्या आएगा उसके शरीर में क्या होता है आवाज, खासकर आवाज की बात करें तो उसकी आवाज जो होगा वॉइस जो होगा आवाज सुरीली हो जाती है यानी धीमी होगी और सुरीली हो जाएगी। जबकि मनुष्य मेल में क्या हो रहा था भारी हो जाता, फीमेल क्या हो रहा उसकी आवाज और पतली हो जाती है सुरीली होती है ये होता है। यहाँ पर भी उसके क्या होता है आपका फेस में चेहरे पे कोई हेयर नहीं आएंगे, हेयर नहीं आते, लेकिन उसके इंटरनल पार्ट पे कच्छ में और आपका मॉन पॉबिस में दो जगह खास करके याद रखिएगा आपका एक कक्ष मतलब आपकी जो बाह होती है ये इंटरनल पार्ट यहाँ की हम बात करें और आपका एक इंटरनल पार्ट होती है ठीक जिसे मॉन पॉबिस कहा जाता है जघन जिसे कहते हैं वहाँ पर आपका हेयर निर्माण शुरू होता है यानी यहाँ पर रोम आपका आना शुरू होती है हेयर आना शुरू होते हैं बाल काना शुरुआत हो जाती है फीमेल की हम बात कर रहे हैं। एंड क्या होता है आपका उसके बॉडी में मेमोरी यानी उसकी बॉडी में अस्थन उभार हो जाते हैं यानी अस्थन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है एंड इसके साथ साथ उसका बॉडी में क्या होता है आपका ओवा बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। किसका ओवा बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है यानी इस अवस्था में आने पे क्या होता है आपका महिला आपका लेडीज में मेंसुरेशन साइकिल यानी मासिक चक्र जिसे कहते हैं मासिक चक्र तो मासिक चक्र की आपका प्रारंभ हो जाता है किस अवस्था में आपका 10-12 साल की अवस्था में। यानी ये संकेत है यौन प्रारंभ के खास करके इसी संकेत में क्या होता है आपका मासिक चक्र का प्रारंभ होता है। क्या होता है मासिक चक्र प्रारंभ यानी फर्स्ट टाइम इस अवस्था में आने पे उसके बॉडी से इंटरनल पार्ट्स क्या होता है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग स्टार्ट होना क्या बताता है वो बता रहा है कि इसका यौना आरंभ हो गया एडोलेसेंस स्टार्ट हो गया ठीक है। तो ब्लीडिंग आना यौना आरंभ प्रारंभ का अवस्था बता रहा है कि उसके बॉडी में ओवा बनना शुरू हो गया यानी अंडाणु का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया अंडे बनने शुरुआत हो चुके हैं ठीक है। ये चीजें आपको देखने को मिलती है इसकी बॉडी में ठीक है आपका एडोलेसेंस कराता है यौना प्रारंभ कराएगा किस अवस्था में 10-12 साल। अब देखिए ये जब डेवलपमेंट हो जाता है विकास हो जाता है तो उसके बॉडी में स्पष्ट रूप से आप बता देंगे देख के ये मेल खड़ा है कि फीमेल खड़ा है ये सब चेंजिंग से उसके वॉयस से उसके वॉयस शरीर संरचना से आप बता सकते हैं मेल है कि फीमेल है। तो उसके जब वायु रूप से जब स्पष्ट हो जाए कि ये मेल या फीमेल है इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी लैंगिक विरूपता कहलाता है। दैट्स क्लियर एनी डाउट्स ठीक है कोई चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हम बार बार कहेंगे आप फेयर को मेंशन कीजिए बनाइए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यानी जब जैसे जैसे आगे जाएंगे इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा यानी आपको नेक्स्ट वीडियो में हमने पूरा फिगर बनाएंगे जिसमें आप जानेंगे कैसे आपका क्या होता है। अभी इसमें और वीडियो बाकी है इसमें बनाएंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन का पूरा फीमेल बनेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा फिगर बनेगा वो चीज़ बनेगा ओके दैट्स क्लियर। आइए आगे देखते हैं एक मिनट देखते क्या टाइमिंग हो रहा है। चलिए ये वीडियो नियर अबाउट 24 मिनट का बन गया इसलिए हम पढ़ते हैं इसके बाद क्या पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव HUMAN ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमने क्या बताया था स्टेप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन हुमेन ये पढ़ते हैं फिर उसके बाद तब पढ़ेंगे आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होता है। तो 24 मिनट का यह वीडियो हो गया तो आपका नेक्स्ट हम दूसरा वीडियो बनाते हैं फिर उसमें आपको देखने को मिलेगा हुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है वो जानेंगे राइट ओके तब के लिए थैंक यू सी यू अगेन।